सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, फेस वॉश कर लें या फिर वेट वाइप्स की मदद से अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद मैंने यूज़ किया है टोनर। टोनर लगाने के बाद 2 से 3 मिनट छोड़ दी स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए। फिर मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र। उसके बाद मैंने लगाया था प्राइमर। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कलर बार का मेकअप ऑयल। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ग्लॉसी सा लुक देता है। तो देन मैं उसके बाद यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन, जो कि ना बहुत ही शाइनी सा लुक आता है इससे, क्योंकि तो मुझे मैट लुक का मेकअप बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे थोड़ा ग्लॉसी मेकअप अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर अपने अंडर आई के नीचे, नोज़ पे, अपर लिप्स पे, चिन पे, फोरहेड पे, क्योंकि ये हमारे फेस को हाईलाइट करता है। तो अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं अपने ब्राउज़ को जेल लाइनर की मदद से सेट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा ना गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप लोग को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आप लोग को बताऊंगी। एंड अगर आप लोग को प्रोडक्ट का भी लिंक चाहिए तो मुझे बताना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोग से शेयर करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पाउडर कॉन्टोरिंग, क्योंकि मुझे नेचुरल सा लुक चाहिए था तो मैंने पाउडर कॉन्टोरिंग यूज़ किया है, क्योंकि जो क्रीम कॉन्टोर होता है वो थोड़ा हैवी लुक देता है। तो अब मैं कर रही हूँ आई मेकअप। तो आई का बेस तो मेरा बन चुका था, तो मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बिल्कुल लाइट सा शेड ले लिया है क्रीज पे अपने एक बॉर्डर बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं उसे एक नंबर डार्क शेड लूँगी उसी के नीचे। फिर मैंने दोनों कॉर्नर पे थोड़ा डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड नाउ मैं अपने जो आईबॉल के एरिया को मैंने छोड़ रखा था उस पर मैं ये जो पिस्ता ग्रीन कलर है वो लगाऊंगी, जो मेरे ड्रेस के मैचिंग था। और ये जो शिमर है ये पाउडर शिमर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत नेचुरल सा लुक देता है। तो इसके मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। तो मेरा आई मेकअप कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं अपने अंडर आई पे भी हल्का सा ब्राउन का शेड दूंगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, फिर यूज़ करूँगी काजल। तो जब तक मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट करती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाओ और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ मैं अपना काजल लगा ली, मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्लशर। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लशर नहीं लगाऊंगी, हल्का हल्का मैं यहाँ पे ब्लशर लगा रही हूँ, मैं पाउडर ब्लशर लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर को मैं अपने चीक बोन पे, नोज़ के बीच में एंड लास्टली मैं आईब्रो के नीचे हाइलाइटर को यूज़ करूँगी। इससे हमारी आँखें बहुत हाईलाइट होती है। और मैं आई के कॉर्नर पे भी यूज़ कर रही हूँ। तो लास्ट में लगाऊंगी यहाँ पे लिपस्टिक। मैंने एक डार्क पर्पल कलर की लिपस्टिक ली है, ये मेरी बहुत फेवरेट लिपस्टिक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं अभी लगा रही हूँ लिपस्टिक एंड यहाँ पे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। यहाँ लिपस्टिक के ऊपर मैं लगा रही हूँ हल्का सा हाइलाइटर, इससे ना बहुत ही अच्छा लुक आता है लिपस्टिक पर, आप लोग भी ट्राई करना। एंड मैं मस्कारा भूल गई थी तो मैं अभी लगा रही हूँ मस्कारा। लास्टली मैं मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी अपने मेकअप को सेट करने के लिए और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना फ़ाइनल लुक। तो आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा। तो ये रहा मेरा फ़ाइनल लुक।